दोस्तों आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि आज से कुछ साल पहले भारत के अंदर जो भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स बनाकर के तैयार किए जाते थे उनमें 10 से 15 प्रतिशत ही मेड इन इंडिया कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता था। बाकी के बचे हुए 85 से 90 प्रतिशत कंपोनेंट्स हम विदेशों से आयात करके भारत में इन हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करते थे। लेकिन आज भारत का आत्मनिर्भर भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि भारत में 45 से 55% तक मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके ऐसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बनाकर के तैयार किया जा रहा है जो बहुत जल्द अब रक्षा में यूज़ किए जाएंगे। जहां से इंटरेस्टिंग अपडेट ये निकल के आ रही है कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने परमिशन दे दी है लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से। जहां पर हाल ही में आई द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक माने तो भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू प्लेटफॉर्म को शामिल कर लिया गया है और ये आत्मनिर्भर दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बीते बुधवार को सेना और वायुसेना के लिए इन लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है जो कि भारत में निर्मित किए जाएंगे। जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि ये जो प्रोक्योरमेंट है वो CCS के तौर पर किया जाएगा। 15 LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स परचेस किए जाएंगे जिसकी कॉस्ट रहने वाली है 3,887 करोड़ रुपए, जिसमें से 10 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो वायुसेना के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और 5 सिर्फ सेना के लिए यूज किए जाएंगे। इसी के साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो भी हेलीकॉप्टर्स बनाकर के तैयार किए जाएंगे उनको स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया जाएगा और ये बेहद ही ज्यादा एडवांस होंगे और अभी तक इसमें 45% स्वदेशी सामग्री का यूज किया जाता था लेकिन अब इसको बढ़ाया जाएगा यानी 55% स्वदेशी कंपोनेंट्स का यूज करके इन हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ये भारत के पहले शुद्ध हमले वाले हेलीकॉप्टर्स होंगे जो भारत में ही बना करके तैयार किए जाएंगे। जहां पर बात की जाए इन हेलीकॉप्टर्स की क्वालिटी के बारे में तो ये हेलीकॉप्टर्स वाइड रेंज, हाई डिस्टेंस और 24 घंटे हर मौसम में मुकाबला करने के लिए सक्षम होंगे। साथ ही साथ ये लड़ाकू खोज बचाव, उसकी वायु रक्षा और हाई और लो स्पीड पर ऑपरेट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये उच्च ऊंचाई वाले बंकर बस्टिंग ऑपरेशन के लिए भी यूज किए जा सकेंगे। साथ ही साथ ये जंगल, शहरी वातावरण और आतंकवाद विरोध अभियान में भी बड़े पैमाने पर यूज किए जा सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये 15 हेलीकॉप्टर्स भारत में स्वदेशीकरण तरीके से तैयार किए जाएंगे जहां पर 55% सामग्री वह स्वदेशी यूज की जाएगी। भारत इस दिशा में अब लगातार एक के बाद एक नया स्टेप रख रहा है और हमारा स्वदेशीकरण मटेरियल वह बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में हम 100% मेड इन इंडिया से एडवांस हेलीकॉप्टर्स बनाकर के तैयार करेंगे जो हमारी रक्षा के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात किए जाएंगे। फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस बड़े डिसीजन के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।